सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जाने वाले हैं, उज्जैन दौरा है उनका, और आज उज्जैन के ही दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर महाकाल अन्न क्षेत्र जो तैयार हो गया है, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होना है। कुल 27 करोड़ की लागत आई है इस अन्न क्षेत्र को बनाने में। 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। लगातार अकल तो ओंकारेश्वर में थे ही, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल उन्होंने किए और आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं और यहां पर सौगात देने वाले हैं, अन्न क्षेत्र की सौगात देने वाले। और इसके अलावा 1000 करोड़ के जो विकास कार्य हैं, लोकार्पण या शिलान्यास दोनों जो होगा उसके कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। उज्जैन उनका जाने का कार्यक्रम है, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और वो कहते हैं कि जो उज्जैन के राजा हैं वही उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश चल रहा है। तो आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे और महाकाल अन्न क्षेत्र का लोकार्पण भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हो गई। इस बार मल्टी लेवल पार्किंग में यह वारदात अंजाम दी गई और बड़ी बात यह रही कि मल्टी लेवल पार्किंग में ASP दफ्तर भी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से उसके ही बॉयफ्रेंड ने के दोस्तों ने दुष्कर्म किया है। गैंगरेप के सभी आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए, सूत्रों से जानकारी मिली है। उसके मुताबिक 17 साल की लड़की रायपुर के पास के ही एक गांव की रहने वाली है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जय स्तंभ चौक स्थित इस मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंची हुई थी, जहां पर लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से गया और इस बीच वहां मौजूद युवकों ने लड़की से गैंगरेप किया। गौरतलब है कि 20 दिन पहले रायपुर के मंदिर हसौर थाना इलाके में भी दो बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। सोमवार की घटना है सर, सोमवार मंगल दोनों दिन का है। सोमवार को जो अपने मल्टी लेवल पार्किंग है राजपैकेज के पास में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में जो सिकंदर नाम का आरोपी है, जो महिला की पूरे परिचित भी बता रही है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब मंगलवार को महिला पहुंची, बालिका पहुंची वहाँ पे पीड़िता, तो वहाँ पे अन्य दो लड़के जो सिकंदर से पूरे परिचित थे और आते जाते रहते थे, उसमें से एक लड़के ने लड़की को कार में लेके गया और एक साथ में भी गया था, तो वो उसमें से एक लड़के ने संबंध बनाया। इस प्रकार से दो लड़के ने संबंध बनाया लड़की को अलग अलग टाइप में, और गार्ड के रूप में और कार में, और एक लड़के ने उसमें सहयोग किया। इस प्रकार से हमने 3 आरोपी अरेस्ट। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है और आप ये देख सकते हैं कि ये एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है उनका ऑफिस है और यहाँ से आप ये मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ इसके नीचे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गैंग रेप की घटना हुई है और पिछले 20 दिनों में राजधानी रायपुर में ये दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले मंदिर हसौद में राखी के दिन गैंग रेप की घटना हुई थी और उसने पूरे राजधानी रायपुर को ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया था। और इसके बाद में कल 19 सितंबर की रात को यहाँ पर फिर से एक गैंग रेप की घटना हुई और ये शहर के हृदय स्थल यानी जय स्तंभ चौक है, वहाँ पर ये मल्टी लेवल पार्किंग है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी पार्क होती है और हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये घटना हुई है, यानी कि नीचे गार्ड रूम है और गार्ड रूम में जिन लोगों को पार्किंग का ठेका दिया गया था उन लोगों ने एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया। अंदाजा लगे कि कितनी खौफनाक ये घटना है, यानी कि आप ये सोचिए कि अमूमन ये होता है कि दूर दराज में इस तरह की घटनाओं में ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि सुनसान में इस तरह की घटना हुई। राजधानी के रायपुर यानी कि जो प्रदेश की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और प्रदेश का हृदय स्थल है जय स्तंभ चौक, यहाँ से आप देखेंगे लगातार यहाँ पर ट्रैफिक आना जाना होता है और ये मल्टी लेवल पार्किंग है जहाँ पर तमाम VVIP गाड़ियाँ खड़ी रहती है और ये पुलिस अधीक्षक का दफ्तर है और उसके यहाँ पर जो है वो रात को यहाँ पर कल गैंगरेप की घटना हुई। और सबसे बड़ी बात है कि आज VVIP मूवमेंट भी था और उसके बाद इस तरह की घटना जो है वो सोचने पे मजबूर करती है कि कहाँ पर जो है वो सुरक्षा है। तो ये आप देखेंगे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें पार्किंग मैनेजर का बेटा है और 2 अन्य लोग हैं वो जो नाबालिग है। तो आप देख सकते हैं कि 2 फ्लोर नीचे एडिशनल SP के दफ्तर के नीचे ये जो पार्किंग है यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और 3 आरोपी जिसमें से एक पार्किंग मैनेजर का बेटा है, एक 35 साल का अविनाश बेहरा,
अरविंद नगर का रहने वाला है, 31 साल का सिकंदर जैन कांकेर का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे आरोपी का नाम गौरव राज है और यहाँ पर जो है वो पर्ची काटी जाती है, पार्किंग की पर्ची काटी जाती है और तीनों आरोपी जो है वो यहाँ पर ठेके का काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि जिसे ठेका दिया गया है ये भी बताया जा रहा है कि उसी में से एक व्यक्ति को जो है आबकारी एक्ट के तहत थोड़े दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। यानी कि आप सोचिए कि नगर निगम पर भी सवाल उठते हैं कि जब ठेका दिया जाता है तो वेरिफिकेशन नहीं किया जाता कि कैसे व्यक्ति को ठेका दिया जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी का ये देखिए, ये मेन सड़क है और ये हृदय स्थल जो है वो ये आप देखेंगे, राजधानी रायपुर का ये हृदय स्थल है, जयस्तंभ चौक है और वहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ पर अगर रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था का खौफ कितना है। और ऐसे में जब शहर के बीच में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर कोई सुरक्षा है। और ये शहर का हृदय स्थल है और ये देखिए आप, ये यहाँ पर लिखा है कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, यानी ये जो काम जिन्हें एक तरह से जिन्हें सुरक्षा का काम दिया गया था वही हैवान बन गए। और दिन भर अगर हम बात करें, चाहे दिन को हो चाहे रात को, पुलिस के जो कर्मी हैं उनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठता है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय पुलिस कहाँ थी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 8 छत्तीसगढ़, रायपुर। कल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, ममता ने उस जगह का जायजा लिया, बताया कि कैसी जगह है, पुलिस वहीं पर बैठती है, अधिकारी बैठते हैं वहां पर, ये वारदात हो जाना ये सीधे सीधे बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज कुछ प्रदेश में बची नहीं है, लड़कियां प्रदेश में सेफ है नहीं, लगातार वारदातें हो रही हैं और केवल दावे पर दावे किए जा रहे हैं। आरोपी भले गिरफ्तार हो जाएं लेकिन वारदातें नहीं थम रही। ये बिल्कुल पुनीत आप सही कह रहे हैं, हर आदमी हर लोगों के मन में ये बात और ये सवाल कौन रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में क्यों हो रही है। 25 दिनों के भीतर अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो तीसरी गैंगरेप की ये बड़ी घटना है। सबसे पहले मंदिर हसौद में 10 जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जसपुर में 2 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और अब राजधानी रायपुर के जो मल्टी लेवल पार्किंग है, और वो पार्किंग इसलिए खास और भी कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर एएसपी का दफ्तर है, लोगों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों का, सुरक्षा बलों का आना जाना लगातार लगा रहता है, काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो घटना घटित हुई है वो काफ़ी चिंताजनक कही जा सकती है। अब सवाल उठना लाजमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लग नहीं पा रहा है। आरोपियों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, त्वरित सजा नहीं मिलेगी तो एक संदेश नहीं जाएगा और इस तरह के जो कृत्य हैं वो बार बार होते रहेंगे, ये चौंकाने वाली बात है। और चूंकि ऐसे जब घटना होता है तो विपक्ष भी इन मुद्दों को काफी जोर शोर से उठाता है और उठाना लाजमी भी है पुनीत, कि जिस तरह के इन घटनाओं को कभी माफ नहीं किया जा सकता, रूह कौन जाती है कि आप सोच सकते हैं कि दरिंदे किस तरह से इस घटना को अंजाम देते होंगे। और ऐसे लोग जिन्हें ठेका दिया गया है, एक तरह से निगम का ठप्पा लगा हुआ है, बावजूद इसके आपराधिक तत्व के लोग इस तरह के कारोबार में संलिप्त रहते हैं और मौका पाते हैं। ऐसा लगता है कि जिस बेखौफ अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, अगर ढंग से छानबीन की जाए, पूछताछ की जाए, तो इनका पुराना रिकॉर्ड भी, इन्होंने क्या क्या काले कारनामे यहां पर किए मल्टी लेवल पार्किंग में ठेका लेने के नाम पर, ये सब कुछ खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 300 किलो चांदी जब्त की गई है। राजधानी रायपुर में 300 किलो चांदी मिली है, इसमें चांदी की पायजेब है। पुलिस ने 300 किलो 75 ग्राम चांदी को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये रायपुर लाई गई थी 300 किलो।